हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मेकअप का कुछ नहीं दिखाने वाली, आपको एक होम रेमेडी दिखाने वाली हूँ आपके स्किन अच्छा करने के लिए, ताकि आपकी स्किन ब्राइट दिखे एंड उसके साथ साथ आपकी जो पिगमेंटेशन है, आपकी जो ब्लेमिशेस है स्किन के, वो भी काफ़ी लाइट हो जाए। जिसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा महंगी कोई प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आम जो नॉर्मल जो कुछ प्रोडक्ट्स है जो हमारे नॉर्मली घर पे रहते ही है, मैं उससे आपको दिखाती हूँ कि वो यूज़ करके आप कैसे आपकी स्किन जो है वो नेचुरल वे में स्किन को ब्राइट कर सकते हो एंड स्मूथ कर सकते हो। पहले मैं आपको बताने वाली हूँ आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। फर्स्ट आपको चाहिए पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल, उसके बाद आपको हनी लेना है एंड ग्लिसरिन और रोज़ वाटर। आपको ये चार चीज़ चाहिए ये होम रेमेडी बनाने के लिए। पहले मैं इसमें अपना सा एलोवेरा जेल ले लूँगी, उसके बाद हल्का सा गुलाब जल, नेक्स्ट थोड़ा ग्लिसरीन, ये ज़्यादा आ गया, इतना नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है। उसके बाद आपको हनी लगाना है। नेक्स्ट मैं इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करूँगी, आप देख सकते हो मैंने कितना लिया है, ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स्ड करना है। ताकि सारे जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से मिक्स्ड हो जाए। उसके बाद ये कंप्लीट जब मिक्स्ड हो जाएगा ये ऐसा बन जाएगा। तो इसको आपको ऐसे ही 10 मिनट रख देना है, 10 मिनट के लिए। फिर 10 मिनट बाद इस जो प्रोडक्ट्स को है जो मैंने बनाया है, इसको ऐसे लीजिए हाथों में लेके स्किन पे, अपने स्किन पे ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके ऐसे आपको अपने स्किन पे यूज़ करना है। ठीक है, आपके पूरे फेस पे जो आईज़ एरिया है बस उस एरिया को आप छोड़ देना, उस एरिया को छोड़ के अच्छे से ऐसे आपके फेस पे मसाज करना है थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद इसको आप 30 मिनट्स के लिए आप रख दीजिए। 30 मिनट्स बाद जब आपके स्किन पे अच्छे से ये मिक्स्ड हो जाएगा एंड आप थोड़ा ड्राई हो जाएगा, फिर आप ठंडे पानी से वो फेस अपना वॉश कर लेना। सो गाइज, आपने देख लिया कि आपको कैसे वो यूज़ करना है एंड कैसे क्या करना है। आप रेगुलर यूज़ करो, दिन में एक टाइम यूज़ करना काफ़ी है। अगर आप एक महीने तक यूज़ करोगे तो आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको समझ आ जाएगा कि इससे बहुत ही स्किन स्मूथ होता है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाता है एंड आपके ब्लेमिशेस जो है वो भी काफ़ी लाइट हो जाता है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। And I will see you soon in my next video. Till then, bye-bye.